अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, समय तो गए होंगे। हमारा ये टॉपिक कौन सा है, फोटोकॉपियर या एक्सीरोग्राफी। एक्सीरोग्राफी या फोटोकॉपियर, ये दो लफ्ज़ हैं लेकिन मतलब दोनों का एक जैसा है। अगर हम पहले लफ्ज़ की बात करें एक्सीरोग्राफी, तो एक्सीरोग्राफी इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, एक्सीरोस एंड ग्राफोस। पहला है एक्सीरोस और दूसरा है ग्राफोस। एक्सीरोस का मतलब है इंग्लिश में जनाब ड्राई, खुश्क, यानी के ड्राई, और ग्राफोस का मतलब है राइटिंग, यानी ड्राई राइटिंग। तो इसका नाम आप ड्राई राइटिंग भी कह सकते हैं, ड्राई राइटिंग या एक्सीरोग्राफी, ड्राई राइटिंग या एक्सीरोग्राफी या फोटोकॉपियर। अब फोटोकॉपियर भी दो लफ्जों का कॉम्बिनेशन है, फोटो एंड कॉपियर। तो फोटो का मतलब क्या है, फोटो का मतलब तो आपको आता है, रोज आप अपनी कई फोटो खींचते हैं, खिंच मेरी फोटो तो बटवे में ला दिए, वो वाली फोटो नहीं है। फोटो का मतलब है लाइट। और कॉपियर का मतलब है कॉपी करना, जिस तरह की कॉपी करने के तो आप माहिर हैं, ठीक है। मेरा मतलब ये है कि कोई लेक्चर जब आप नोट कर रहे होते हैं तो वो वाली कॉपी, एग्ज़ाम में कॉपी की बात नहीं कर रहा, शायद आप वो समझ गए होंगे, माइंड नहीं करना। तो फोटोकॉपियर यानी लाइट की मदद से हमने किसी डॉक्यूमेंट को कॉपी करना है, दैट इज़ कॉल्ड फोटोकॉपियर। अब फोटोकॉपियर में क्या क्या होता है बेटे, फोटोकॉपियर अगर आप ये देखें तो ये है इसकी स्कीमेटिक डायग्राम, स्कीमेटिक या ब्लॉक डायग्राम। स्कीमेटिक या ब्लॉक का मतलब ये होता है कि नॉट एक्चुअल पिक्चर। ये उसमें हमें बता, हमने ये बताना है कि एक्चुअली इसमें पार्ट्स कौन कौन से यूज़ हुए हैं, इसके ये किन किस किस चीज़ से मिलके बना है। अब ये फोटोकॉपियर है, फोटोकॉपियर में मेन चीज़ क्या है, ये वो पेज है जिसको हमने कॉपी करना है, ये उसका ड्रम है, हार्ट ऑफ मशीन, मशीन का दिल एल्यूमिनियम का है, और इसके ऊपर कोटिंग की हुई है सेलेनियम की, ये वो पेज है जिसको हमने कॉपी करना है, ये हीटेड प्रेशर रोलर्स हैं, और ये प्रिंटेड पेज है। ये आप इसकी शक्ल को देखें, बल्कि आप अपनी बुक खोलें, जब भी लेक्चर्स लेते हैं बेटे ये बात याद रखनी है, अपनी अपनी बुक को खोलें और उसको पेज को सामने रखिए, याद रखिए इस पिक्चर की आपने अच्छी से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस इसलिए करनी है कि अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो ये इसकी जो फिगर है ये लाजमी बनानी है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये फिगर लाजमी बनानी है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि FSE और ICS वालों, पूरे पूरे नंबर लेने हैं ना अगर आपने, तो ये डायग्राम बनानी है। ये देखें मैंने इतनी प्यारी डायग्राम बना ली है, तो आप क्यों नहीं बना सकते, आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छी डायग्राम बना सकते हैं। FSE वालों का मसला यही होता ना, इसलिए आपको बताना पड़ता है कि ये लॉन्ग में आ सकता है, बल्कि ये एक बार आया हुआ है। ज़्यादातर मसला उनका ये होता है कि वो पूछते हैं, अभी ये हमारा फिजिकल क्लासेस का एक्सपीरियंस है कि जाके टॉपिक का नाम लिखो ना, तो सबसे पहला सवाल था सर जी बेटे सर ये लॉन्ग में आएगा या शॉर्ट में आएगा, तो ये लॉन्ग में आना है, ठीक है। एंट्री टेस्ट वालों के लिए ना लॉन्ग में आएगा ना शॉर्ट में आएगा, MD कैट में तो खैर ये है ही नहीं। ओके, ये प्रैक्टिस कीजिए इस डायग्राम की, और मैं अभी पहले आपको बता दूं, ये बिल्कुल लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे ही लिखना, आपने पहले डायग्राम बनानी है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन की हेडिंग देंगे। ये कंस्ट्रक्शन इसकी क्या है, यानी किस किस चीज़ से मिलके बना है, सबसे पहली बात है लैंप। लैंप का काम क्या होता है, लाइट देना, और ये लाइट की मदद से रिफ्लेक्शन करता है पेज की, और जिस पेज को आपने फोकस करना है, कॉपी करना है लेंस की मदद से, यानी ये उस पेज की इमेज बनाता है ड्रम के ऊपर। उसके बाद क्या, एल्यूमिनियम ड्रम, दिस इज हार्ट ऑफ मशीन, यानी ये उसका मेजर पार्ट है, ठीक है ना। हार्ट का मतलब ये नहीं है कि मशीन का भी कोई दिल होता है सच में जो धड़कता है, ठीक है, लेकिन ये उसका मेन पार्ट है, एल्यूमिनियम का बना हुआ है। और एल्यूमिनियम के बारे में आपका क्या ख्याल है, एल्यूमिनियम एक अच्छा कंडक्टर है, और उसके ऊपर हमने कोटिंग की होती है। कोटिंग क्या होती है, जैसे हम कोटिंग का मतलब ये होता है कि उसको अंदर से वो कुछ और है, बाहर से कुछ और है। जैसे बहुत सारे लोग भी ऐसे होते हैं जो कोटेड होते हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, खैर पहचाना नहीं जाता, लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ फोटोकॉपियर के हार्ट ऑफ मशीन की। हार्ट ऑफ मशीन किससे बनता है, एल्यूमिनियम का, और एल्यूमिनियम के ऊपर कोटिंग की होती है किसकी, सेलेनियम की।
तो सेलेनियम जो है एक इंसुलेटर है, किस में, डार्क में। यानी सेलेनियम की दो क्वालिटीज हैं, ये इंसुलेटर भी है डार्क और कंडक्टर भी है। तो सेलेनियम इज अ फोटो कंडक्टर, फोटो का मतलब होता है लाइट में कंडक्टर और बगैर लाइट के इंसुलेटर, ठीक हो गया। और एक चीज है टोनर, टोनर को नेगेटिव चार्ज दिया, यानी ये इंक है, स्पेशल ड्राई इंक, ब्लैक पाउडर होता है, इसलिए फोटोकॉपी में ब्लैक इंक आती है ना। ये मैं कलर्ड की बात नहीं कर रहा, ये मैं बात कर रहा हूँ किसकी भला, ब्लैक एंड वाइट, विच इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज। तो टोनर के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, टोनर के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एंड स्प्रेड ओवर द ड्रम, इसको वेयर इट स्टिक्स टू द पॉजिटिव चार्ज एरिया, अभी मैं इसकी वर्किंग समझाता हूँ। और पेपर क्या है, ये पेपर है जिसके ऊपर आपने डॉक्यूमेंट को कॉपी करना है। हीटेड प्रेशर रोलर्स का क्या काम है, नाम से पता चल रहा है, हीट करना, प्रेशराइज करना, ये रोलर्स का काम है, ताकि वो इंक जो है उसका परमानेंट जो है वो इमेज आ जाए, इंक जो है वो परमानेंट स्टिक कर दे पेज के ऊपर। अब ये देखिए ज़रा फोटोकॉपियर को की वर्किंग समझिए, यानी अब हमारी हेडिंग क्या होनी चाहिए, वर्किंग जहाँ पर हमने लिखना है। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया, दिस इज लैम्प एंड दिस इज पेज टू बी कॉपीड, ये वो पेज है जिसको आपने कॉपी करना है। सपोज इसके ऊपर लिखा हुआ है वर्क, ये वर्क इस पेज पे लिखा है, इसने लाइट की मदद से, इस लेंस की मदद से इस पेज की यहां पर इमेज बना दी, इसका काम ही यही था, फोकस करके इमेज बना देना। अब हमने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज को स्प्रिंकल किया ओवर ड्रम, यानी एक पॉजिटिव चार्ज पूरे ड्रम पे फैला दो फैला दो फैला दो, ये लो पॉजिटिव चार्ज पूरे ड्रम पे आ गया, जहां पर ये लिखा हुआ है वहां पर भी आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज पूरे ड्रम पे आ गया। पहला काम पॉजिटिव चार्ज को स्प्रिंकल कर दिया। अब पॉजिटिव चार्ज जो है इज न्यूट्रलाइज्ड बाय एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इसके नीचे है और सेलेनियम इसके नीचे, सेलेनियम की तह है और सेलेनियम के नीचे है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन सेलेनियम के थ्रू निकल के फटाफट पॉजिटिव चार्ज को पकड़ लेंगे और न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, लेकिन हर जगह पे ऐसा नहीं होगा, एक्सेप्ट यानी न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी का एक्सेप्ट वो जगह जहां पर लेटर्स हैं, डॉक्यूमेंट है। अब डॉक्यूमेंट कहाँ पे है, जहां पर वर्क लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जहां पर वो लेटर्स हैं वो अल्फाज हैं वहां पर न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगी। सो पॉजिटिव चार्ज रिमेन्स एट डॉक्यूमेंट्स, एट कह लें ऑन कह लें मुझे नहीं पता, पर जो है ना ये क्या कहते हैं प्रोनन, इसको क्या कहते हैं, खैर मैं इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है मेरा, इंग्लिश मेरी बहुत वीक है, तो ऐड कह लें ऑन कह लें आप खुद फैसला कीजिए। अच्छा बेटे यहाँ पर जो है मैं बता रहा था आपको कि ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज सारा न्यूट्रलाइज हो गया, ये तो खत्म हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, सिर्फ कहाँ पर रह गया, जहाँ पर लेटर्स लिखे हुए हैं। अब जहाँ पर लेटर्स लिखे हुए हैं, अब अगला काम हमने क्या करना है, हमने अगला काम ये करना है कि नेगेटिव चार्ज्ड इंक, इंक पकड़ी, पकड़नी नहीं बल्कि ये मशीन ने ऑटोमेटिकली करनी है, ठीक है। टोनर क्वार्टरेज कंटेनिंग ब्लैक टोनर डस्ट, ये डस्ट फौरी तौर के इसके ऊपर फेंक दी जाएगी, यानी वो टोनर यानी वो ड्राई इंक, अब आप समझदार हैं, ड्राई इंक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज ने किसकी तरफ जाना है भला, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है भला, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, इसका मतलब है इंक डिपॉजिट हो जाएगी सिर्फ वहीं पर जहां पर वो लेटर्स लिखे हुए हैं।
तो जहाँ पर लेटर्स लिखे हुए हैं वहाँ पर इंक डिपॉजिट हो जाएगी, जब वहाँ पर इंक डिपॉजिट हो जाएगी तो बाकी वाला तमाम पोर्शन जो है वहाँ पे इंक डिपॉजिट नहीं होगी, स्टिक नहीं करेगी। फिर क्या होगा, जैसे आपने कभी ऐसे किया, यहाँ पर कभी आपने लिखा हो एस मार्कर के साथ, फिर उसको क्या किया हो पेज के ऊपर ऐसे, तो फिर आप कहते हैं वाओ उसके पे भी एस लिखा गया, उसका प्रिंट आ गया। ये भी वैसे ही है, जब वो इंक आ जाएगी वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, जहाँ पर वो लेटर्स हैं वहाँ पर इंक मौजूद है, वो छापा लग जाएगा किसके ऊपर, पेज के ऊपर, और फिर पेज को हीटेड प्रेशर रोलर्स में से गुजारा जाएगा, तो वो जो इंक उसके ऊपर थी जो ड्राई, वो हीटेड प्रेशर रोलर्स की मदद से मेल्ट होके परमानेंटली उस पेज के ऊपर आ जाएगी। फोटोकॉपी से पेज जैसे यूँ बाहर आता है, हीटअप हुआ होता है ना, तो उसकी वजह ये है। ठीक हो गया, ये था एक्सेरोग्राफी या फोटोकॉपियर, इसकी पूरी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर कर ली। अब हमने पढ़ना है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर इतना आसान सा टॉपिक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। इंकजेट प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर विच यूजेस इलेक्ट्रिक चार्ज इन इट्स ऑपरेशन एंड ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, यानी इसकी इसका प्रिंसिपल भी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये भी उसकी स्केमेटिक डायग्राम है। ये है इंक सप्लाई, इसके अंदर इंक मौजूद है जो आपने इंक देनी है, प्रोवाइड करनी है, और इस पंप का क्या मतलब है, इस इंक को सक करके स्पीड से ऊपर पहुंचाता है, और जनाब ये क्या है जनाब, नोजल्स, यानी ये छोटा सा पार्ट है, इधर से स्पीड से इंक जा रही है। अब इंक जाके ये वो पेज है जिस पेज के ऊपर जाके इंक ने लग जाना है, और वो पेज सारे का सारा ब्लैक करना है आपने, नहीं हम तो ब्लैक नहीं करना चाहते, हमें क्या जरूरत है पेज ब्लैक करते जाए सारी, हमने तो लिखना है, और लिखना है कमांड कहाँ से देनी है आपने, आपने देनी है कंप्यूटर से। ठीक है, तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस देता है, अगर आपने वर्ड की फाइल बनाई है, एक्सेल की फाइल बनाई है, ठीक है ना, या पावर पॉइंट की कोई भी फाइल है, वो इंस्ट्रक्शंस हैं एक्चुअली। ठीक है, और वो चार्जिंग कंट्रोल, ये दो प्लेट्स होती हैं, ये चार्जिंग कंट्रोल को इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर देता है, और ये इंस्ट्रक्शंस आगे फॉरवर्ड करता है किसको, प्लेट्स को। ये है चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स, इनका काम क्या होता है, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स का काम क्या होता है, ये चार्ज कर देते हैं द इंक, ये इंक को चार्ज कर देते हैं। अब जब इंक चार्ज होगी तो फिर इन प्लेटों की मनमर्जी चलेगी, ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स क्या करेंगी, इस चार्ज्ड इंक को डिफ्लेक्ट करेंगी। सपोज इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाली पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाली ने उसको क्या करना है, रिपेल, जब रिपल्शन होगी तो वो सीधी नहीं जाएगी, बल्कि वो किधर चली जाएगी, गटर, ये वो वाला गटर नहीं जो आप सोचते हैं, ये गटर है यानी जो दोबारा यूज़ हो जाएगी, ये वो इंक है जो हमारी ज़रूरत नहीं है, जो हम पेज पे जाने नहीं देना चाहते। तो ये जो कंट्रोल था, इसने जो फजूल वाली इंक थी उसको चार्ज कर दिया, डिफ्लेक्टिंग प्लेटों ने उसको इधर को बेंड करवा दिया, वो स्टोर में चली गई, और जहाँ जहाँ लेटर्स थे, वर्ड्स थे, जहाँ जहाँ आप चाहते थे कि ये प्रिंट हो, वो इंक आगे चल के उस पेज के ऊपर स्टिक होती जाएगी और वो प्रिंट बाहर आता जाएगा। ये था इंकजेट प्रिंटर, ये इनको पढ़ लीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अल्लाह हाफिज़।